बॉलीवुड टाउन में इस वक्त रणबीर कपूर की सेहत को लेकर सबसे ज्यादा कपूर परिवार में चिंता है। रणधीर कपूर चिंतित है, करिश्मा कपूर से लेकर करीना कपूर खान से लेकर नीतू कपूर से लेकर रिद्धिमा सब ने चिंता जाहिर की है। परिवार के सदस्य रणबीर की स्थिति ऐसी है कि वो खुद भी सोशल मीडिया पर नहीं है, तो ऐसे में वो लोगों से बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रॉल भी किया जा रहा है। बीमारी में भी ट्रॉलिंग का सामना कर रहे हैं रणबीर। आज हम रणबीर कपूर की ज़िंदगी के एक बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ बॉलीवुड गॉसिप। हमारे शो में आप सभी का है स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज नेक्स्ट 9 न्यूज़ के इस स्पेशल शो में बात करने वाली हूं, ख़ास तौर पर रणबीर और उनकी निजी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में। रणबीर हमेशा से ही इंट्रोवर्ट रहे हैं और इसके कई सबूत हैं। इंट्रोवर्ट रणबीर ने सोशल मीडिया से दूरियां इसलिए बना रखी हैं। आज भी रणबीर को सोशल मीडिया से जुड़ना पसंद नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर रणबीर की जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उतनी ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म रणबीर की होती है। कुछ गलतियाँ हैं या फिर कुछ उनकी मनमर्जी है, कुछ ऐसी उनकी कमजोरियाँ हैं जिसके कारण रणबीर अपनी फैमिली के बीच भी इंट्रोवर्ट होने की वजह से उनसे दूरियाँ बनाते रहे हैं। आज रणबीर के बारे में हम ये जानेंगे कि कैसे अपनी माँ से दूर रहना उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल का समय था। माँ और पिता से दूर रहने पर उन्होंने शुरुआत से ही खुद को तन्हा रखा और तन्हा जिंदगी में जब आलिया भट्ट आई तब भी रणबीर कपूर अपने परिवार से दूर होने पर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हुए हैं। आज हम जानेंगे रणबीर इस पर क्या कहते हैं और कैसे रणबीर अपने परिवार के बीच पिता के गुजरने के बाद लोगों के सिर्फ और सिर्फ शिकायतों में रहे। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये सब जानते हैं कि रणबीर कपूर की बीमारी कितनी तकलीफ दे है। रणबीर कपूर को इस वक्त ना सिर्फ कोविड-19 से ट्रीटमेंट कराने की वजह से काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि रणबीर कपूर को इसके अलावा अपने प्रोफेशनल एक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरे मुसीबत से सामना करना पड़ रहा है। कई तरह के कमेंट्स आपने रणबीर कपूर को लेकर सुने होंगे। अब तक सोशल मीडिया पर उन्हें जिस तरह से ट्रॉल किया गया है उसके बारे में अगर बात की जाए तो आसान नहीं है रणबीर कपूर के लिए इस वक्त खुद को संभालना। लेकिन रणबीर कपूर की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने अपने ज़िंदगी के कई राज से पर्दा उठाया था। कई जगह पर उन्होंने कई बड़े राज खोले। रणबीर अपनी मॉम के साथ नहीं बल्कि अपने अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। माँ से अलग होने पर रणबीर कपूर ने दर्द छलकाया था। उन्होंने बताया था कमिटमेंट फोबिया है उन्हें। इसके अलावा रणबीर कपूर ने अपनी माँ को लेकर कई बातें खोल कर रख दी थी। आज हम आपको बताएंगे जिस बेटे रणबीर कपूर की बीमार होने वाली खबर को खुद नीतू कपूर ने लोगों के बीच शेयर किया। जिस रणबीर कपूर की खराब स्थिति में नीतू कपूर ने सबसे ज़्यादा उनके बारे में बात की, सबसे ज़्यादा नीतू कपूर ने ही दुआएं की है उनके बेटे की सेहत में कुछ असर हो बेहतर दुआओं का। उसी नीतू कपूर से दूरी बनाने पर रणबीर ने कई कड़वे शब्दों का प्रयोग भी किया था। जी हाँ, रणबीर कपूर का ये कहना था कि वो इतने मैच्योर है अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए, पेरेंट्स के साथ वो नहीं रहे हैं अपने फिल्मी सफ़र के दौरान। उन्होंने ये बताया है कि वो अपनी बात अपनी मॉम से भी शेयर नहीं करते हैं। जी हाँ, अपनी मॉम से भी वो अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। कुछ कारण है जिसकी वजह से डिटैचमेंट माँ से हो गया है। रणबीर कपूर ने आगे ये भी कहा था, आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड्स माई पेरेंट्स। आई एम जस्ट टू कॉट अप विथ माई वर्क। It's not stardom because I am not enjoying it. I am aware of it and I feel very lonely. I need to connect with my parents. I need to share. I need to make them happy. I need to hear them out. But I am very conscious about it and I want to do something about it. यानी कि रणबीर अपनी सिचुएशन से परेशान है। वो अपने पेन को भी अपने परिवार के बीच शेयर नहीं कर पाते। रणबीर कपूर का ये कहना है कि वो खुद को संभाल नहीं पाते। रणबीर कपूर का कहना है कि वो अपने माँ बाप को अपने दर्द से बयां करना चाहते थे लेकिन वो कभी नहीं कर पाए। वो शेयर करने में बहुत ज़्यादा चूजी रहे। उन्होंने अपनी मुश्किल घड़ी को कभी किसी के बीच नहीं आने दिया। वो अपने काम की वजह से अपने पेरेंट्स फ्रेंड्स इन सब से हैंग आउट करना भूल चुके हैं। पिछले कुछ सालों से स्टारडम नहीं बल्कि सिंपल ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं वो।
कभी कभी वो बहुत अकेला महसूस करते हैं और इस बात से उन्हें अच्छी तरह से जागरूक है, उसे इस बात की उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है कि वो किस मुश्किल से डील कर रहे हैं। रणबीर कपूर को लोगों ने काफ़ी ट्रॉल भी किया था जब रणबीर कपूर ने ये बताया था कि वो अपनी माँ के साथ नहीं रहते हैं सेपरेशन पर। यहाँ तक कि ऋषि कपूर भी काफ़ी ज़्यादा जो है सो अपने दुख को जाहिर करते नजर आए थे बेटे से दूर रहने का। आखिरी समय में भी बेटे उनके साथ नहीं थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि रणबीर कपूर अपने माँ बाप से दूर रहने पर जो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि रणबीर कपूर जो हैं अपनी माँ से दूर रहने पर जिस तरह से ट्रॉल हुए थे इसके बारे में उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो अपनी फैमिली से दूर हैं और इसलिए उन्हें ट्रॉल भी किया जाता है। सोशल मीडिया पर ये ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था। लोगों ने कहा था कि ही इज़ नॉट स्टेइंग विथ आलिया। दरअसल उनके पिता का जब निधन हुआ था तो फिर रणबीर कपूर अपनी माँ के साथ तब भी जब नहीं रह रहे थे आलिया भट्ट के साथ थे, तो उन्हें बहुत ट्रॉल किया गया था। ग्रोवर हरप्रीत नाम के एक शख्स ने रणबीर कपूर को ट्रॉल करते हुए कहा था, He is not staying with his home, in his home, with his family, and still he is staying with someone like actor is so bad. यानी कि no one cares about parents. ये कह दिया गया था रणबीर कपूर को लेकर। इस तरह से रणबीर कपूर को ट्रॉल किया गया था। जी हाँ, रणबीर कपूर को ट्रॉल करते हुए लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि एटलीस्ट कुछ दिन तो उसे अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहिए था। रणबीर कपूर को ट्रॉल करते हुए लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट किए थे। वो ट्वीट काफ़ी इंस्टाग्राम पर वो कमेंट्स काफ़ी वायरल हुए थे, जिसमें पूनम ने कहा था, माँ को छोड़कर आलिया के साथ रहते हो, हाउ कैन यू डू दिस, हार्टलेस पीपल यार, जस्ट शो ऑफ करते हैं कैमरा पे रोने के, डोंट केयर पेरेंट्स एंड फैमिली, कांट ही स्टे विथ हिज मॉम इन दिस टाइम, अराइविंग लाइक अ गेस्ट विथ आलिया, एटलीस्ट कुछ दिन तो अपनी मम्मी के साथ रहते। जिए क्या भागी जा रही, इतनी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं यार बॉलीवुड वाले। ये कहना था ट्रॉलर्स का जब रणबीर अपनी माँ के साथ नहीं रहते थे, लेकिन बीमारी में उनकी माँ फिर भी उनके साथ खड़ी रही हैं, बीमारी में भी उनके लिए दुआएं कर रही हैं। अलग रहकर भी माँ बाप की ये जोड़ी जिसके लिए रणबीर कपूर हमेशा खड़ा रहना चाहते थे, उस रणबीर कपूर के लिए अगर बात की जाए तो रणबीर कपूर के लिए माँ बाप को होने के बाद इस वक्त मुश्किल है, लेकिन सच है, यकीन करना ही पड़ेगा कि नेतू से दूर रहकर रणबीर कपूर ने अपने परिवार से दूर होकर काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना किया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दोस्तों, ये था हमारा शो बॉलीवुड गॉसिप। हमारे इस शो में हमने रणबीर की बात की। फिलहाल COVID-19 के संक्रमण में रणबीर कपूर आने की वजह से अपने फैमिली मेंबर से भी दूर हैं और काम पर भी लौट नहीं पा रहे हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों के उन पर जो लागत है, जो उनके लिए फिल्मों को तैयार किया गया है, ऐसे में इस लागत वाली फिल्मों की अगर बात की जाए तो रणबीर कपूर के लिए अपनी फिल्मों के बीच रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्द से जल्द वो रिकवर करें, इसी की दुआ की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, बॉलीवुड गॉसिप में इतना ही। देखते रहें बी टाउन की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।